वार्ड नंबर 62 सिविल लाइन द्वितीय में पाइपलाइन लगाने की मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों ने सपा नेता राहुल गुप्ता के नेतृत्व में मंडलायुक्त को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में सपा नेता राहुल गुप्ता ने बताया कि वार्ड नंबर 62 सिविल लाइन द्वितीय स्थित बिलंदपुर कॉलोनी में जल निगम गोदाम के बगल वाली गली में कोई पाइपलाइन नहीं लगाया गया है, जिससे आम नागरिकों को पानी की गंभीर समस्या से जूझना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि पानी की गंभीर समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पेयजल हेतु पाइपलाइन लगवाने के लिए नगर निगम को निर्देशित किया जाए। इस अवसर पर प्रदीप कुमार मिश्रा, विपिन नायक, बब्बन सिंह, अजय पांडे, कृष्ण नारायण गुप्ता, सुनीता यादव, सुनीता सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा नेता राहुल गुप्ता ने कहा, यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गुप्ता नाम है, पूर्व प्रत्याशी मेरठ गोरखपुर समाजवादी पार्टी। ज्ञापन आपने मंडलायुक्त आज सर हम लोग ज्ञापन दिए हैं वार्ड नंबर 62 के सिविल लाइन द्वितीय का मामला है, बहुत ही गंभीर समस्या है, वार्ड की समस्या आप जानते होंगे कि पूरे गोरखपुर महानगर में 70 वार्ड है और जिनकी समस्या आज भी मुख्यमंत्री का शहर होने के नाते समस्या विकट रूप में है और यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। आए दिन घरों में पानी काला आ रहा है, जिससे समस्या बनी हुई है और ये समस्या करीब 2 महीने पहले से है, क्योंकि इसके पहले मैंने महानगर आयुक्त गोरखपुर को दिया था तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं जल्द से जल्द पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ कराऊंगा, लेकिन इसमें कोई व्यवस्था नहीं किया उन्होंने। 2 महीना हो गया, आज हम लोग को बहुत ही इसको देखते हुए मुझे आज मंडलायुक्त से मिलना पड़ा कि नगर आयुक्त की हीला हवाली के चक्कर में जनता का जान ना जाए, इसलिए मैं आज मंडलायुक्त साहब से मिल के इस ज्ञापन को दिया हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण दे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जल्द से जल्द पेयजल व्यवस्था सही कराने की करूँगा।